जम्मू कश्मीर से आतंक का अंत तुरंत, सुरक्षा बलों का ये संकल्प हर रोज सच साबित हो रहा है। आज 3 आतंकी जन्नत से जहन्नुम पहुंच गए। सुरक्षा बलों को खबर मिली कि श्रीनगर से सटे चटबल में कुछ आतंकी छिपे हैं। सुबह 6 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और लगभग 7 घंटे चले ऑपरेशन में 3 आतंकी मार गिराए गए। सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ। इस दौरान पत्थरबाजों ने आतंकियों को बचाने के लिए पत्थरबाजी भी की। इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई और ऑपरेशन तब खत्म हुआ जब सभी आतंकी मार दिए गए। आज कर्नाटक में बीजेपी के जय वीरू यानी पीएम मोदी और अमित शाह एक साथ हैं। कांग्रेस पर सियासी शोले गिर रहे हैं, शुरुआत तो पीएम मोदी ने की। कर्नाटक के टुमकुर में पीएम ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने वसूली का नेटवर्क बनाया है। इन्हें डर है कि कर्नाटक हारे तो दिल्ली में उनके नेताओं का पैसा बंद हो जाएगा। पीएम ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी की जमानत से कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए जनता को केवल मूर्ख बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कर्नाटक में 5 रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें चैलेंज किया कि अमित शाह 5 मिनट की खुली बहस कर ले। कहां करनी है जगह खुद तय कर ले। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम का जाप करने वाले देश में आज भी पूजा और नमाज को लेकर विवाद हो रहा है। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खुले में जुमे की नमाज को लेकर विवाद हो गया है। कल शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन ने खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। प्रशासन का कहना है कि जिस जगह पर अब तक नमाज पढ़ी जा रही थी वो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन है। अथॉरिटी ने अपनी जमीन पर नोटिस लगा दिया है, इसलिए नमाज पढ़ने से रोका गया है। प्रशासन ने कहा कि किसी को नियम तोड़ने की इजाजत नहीं है। तनाव न बढ़े इसलिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती भी कर दी गई। टीपू सुल्तान पर जो बहस पाकिस्तान से आई थी, हिंदुस्तान में अब हिंदू मुसलमान बढ़ गई है। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि एक खास वर्ग के वोट के लिए कांग्रेस एक क्रूर शासक के साथ खड़ी है। हर आरोप पर जवाब देने वाली कांग्रेस इस सवाल पर खामोश है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा कांग्रेस को टीपू सुल्तान की चिंता है। वो टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हैं, लेकिन विवेकानंद की जयंती से परहेज है। कांग्रेस की चुप्पी सवाल को मजबूत कर रही है कि क्या टीपू सुल्तान पर कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ पसंद है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मौसम की मार झेल रहे लोगों के लिए आज राहत की खबर आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे, अस्पताल में तूफान पीड़ितों से मिले। अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आंधी तूफान में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 4,00,000 रुपए मुआवजा दिया। घायल बच्चों को जल्द ठीक होने और स्कूल जाने का हौसला दिया। 2 मई को आए आंधी तूफान में आगरा में 55 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस ने इस कदम को ढोंग बताया और योगी आदित्यनाथ पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। कठुआ गैंगरेप पर जी न्यूज के खुलासे को सियासत से लेकर समाज का हर हिस्सा समर्थन दे रहा है। अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग जम्मू से लेकर दिल्ली तक की जा रही है। इसी मांग के साथ आज जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर की पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग को लेकर पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्रालय के सामने मार्च भी किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैठे यात्रियों को नहीं पता था कि ट्रेन बर्निंग ट्रेन बन चुकी है। अच्छी खबर यह है कि एक बड़ा हादसा टल गया। ये ट्रेन खजुराहो से उदयपुर जा रही थी। छतरपुर के हरपालपुर स्टेशन के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस के डीजल इंजन में अचानक से आग लग गई। थोड़ी ही देर में तेज धुआं उठने लगा। आग लगने की खबर यात्रियों को लगी, लोग इधर उधर भागने लगे। जान बचाने के लिए कुछ यात्री ट्रेन से कूद भी गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझा दी गई। हादसे की वजह से झांसी मानिकपुर रूट पर चलने वाली ट्रेन रुक गई। नया 9 दिन पुराना सौत, यह कहावत भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट प्लेन डकोटा पर फिर सटीक बैठती है। ट्रांसपोर्ट प्लेन डकोटा दोबारा वायुसेना में शामिल हो गया है। डकोटा के नए अवतार को नाम मिला है परशुराम। इस प्लेन को सबसे पहले 1930 में वायुसेना में शामिल किया गया। 1947 में भारत पाकिस्तान की जंग में डकोटा ने जांबाज भूमिका निभाई। 71 के युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ। ऐसे शूरवीर को वायुसेना ने फिर से संभाला। कबाड़ से खरीद कर इस प्लेन की मरम्मत की गई। ब्रिटेन में 6 साल तक इसकी मरम्मत का काम चला। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर डकोटा को एयरफोर्स के विंटेज फ्लीट में शामिल किया गया।
आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही रोशनी दिवाली की आतिशबाजी नहीं और न ही किसी सेलिब्रिटी की शादी का उत्सव। ये उड़ीसा के गोपालपुर में सेना की एयर डिफेंस कॉर्प्स के जवानों की एक्सरसाइज का वीडियो है। जवानों ने रात में फायरिंग की एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस एक्सरसाइज की सबसे खास बात यह रही कि पहली बार आम जनता को सेना की शक्ति दिखाने के लिए इसमें शामिल किया गया। 68 साल बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने दुश्मनी भूलकर दिल मिला लिया। अब दोनों देशों का वक्त भी मिल गया है। दोनों देशों ने अपनी घड़ियां मिला ली हैं। नॉर्थ कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के टाइम जोन के हिसाब से वक्त मिलाने के लिए अपने देश की घड़ियों को 30 मिनट आगे करने का फैसला किया। वहां की संसद ने भी साउथ कोरिया के टाइम जोन को अपनाने पर अपनी मंजूरी दे दी। दो दुश्मन दोस्त बन रहे हैं तो दुनिया भी तारीफ कर रही है।